बचपन से लेकर आज तक अक्सर इंद्रधनुष देखने की अलग ही इच्छा हुआ करती थी। इंद्रधनुष शायद मेरे ख्याल से सभी ने देखा भी होगा, खास तौर पर इंद्रधनुष बारिश होने के बाद बनता है। ऐसे में अगर इंद्रधनुष के बनने की घटना की बात की जाए तो यह आसमान में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदों से सूरज की रोशनी गुजरने पर बनता है। आपने देखा होगा कि जब यह आसमान में आधे गोले के आकार में बनता है, तब असल में आपसे अगर मैं इस गोले को लेकर पूछूं कि इंद्रधनुष गोला होता है या फिर अर्ध, तो क्या आपको विश्वास होगा? शायद नहीं, क्योंकि आपने अक्सर इसे धनुषाकार में ही देखा है और इस बात पर भरोसा करना भी आपके लिए यकीनन मुमकिन ना हो, पर ऐसा ही होता है। दरअसल हम जिस इंद्रधनुष को धनुषाकार रूप में देखते हैं, जिसको आधे गोले के रूप में देखते हैं, वो सही मायनों में एक पूरा गोला होता है, एक वृत्ताकार शेप होता है। अब बात करते हैं ये गोलाकार क्यों नहीं दिखता और आखिर हम इसके आधे भाग को ही क्यों देख पाते हैं। दरअसल इंद्रधनुष हमें पूरा नहीं दिखाई देता। जमीन जो है वो हम कुछ दूर तक फ्लैट रूप में देखते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि पृथ्वी गोलाकार रूप में है, हल्का सा गोलाकार से थोड़ा सा अलग है। उसी कारण हम जितनी दूरी तक देख पाते हैं उतने दूर में, क्योंकि इंद्रधनुष हमसे बहुत ज्यादा दूर होता है। आपने इंद्रधनुष को एक छोर से दूसरे छोर तक आधा गोला ही देखा होगा, लेकिन हकीकत तो यह है कि वह पूरा गोल होता है। आइए समझते हैं कि अभी यह पूरा गोल होता है तो फिर हमें सिर्फ आधा ही क्यों दिखाई देता है। मैंने पहले ही बताया, अगर आपको इसे गोला देखना है तो आपको फ्लाइट या फिर वायुयान या यूं कहें हवाई जहाज का उपयोग करना होगा। यह तो आपको पता है कि पृथ्वी गोलाकार है, यही कारण है कि इंद्रधनुष आधा गोल ही नजर आता है। धरती के गोल आकार की वजह से हमें इंद्रधनुष का सिर्फ आधा ही हिस्सा दिखाई देता है। जैसे चंद्रमा, हम 15 दिन देखते हैं कि कंटिन्यू वो छोटा और बड़ा होता रहता है। जितना भाग उसका हमें दिखाई देता है उतने भाग को हम देख पाते हैं और सोचते हैं कि चंद्रमा आज इतना ही बड़ा उगा या फिर निकला हुआ है। अब अगर बात करें, इंद्रधनुष काफी दूर बनता है, लेकिन पृथ्वी के गोलाकार के कारण मैंने पहले बताया कि वो हमें कुछ दूर तक ही नजर आता है, उसका कुछ भाग ही। अगर आप किसी फ्लाइट में बैठे हैं तो इंद्रधनुष शायद आपको गोला दिखाई देगा। अब अगर हम बात करें कि आखिर ये क्यों और कैसे बनता है, तो इसकी भी कहानी कुछ इंटरेस्टिंग है। आपने एक बात और पर गौर किया होगा, इंद्रधनुष हमेशा सूरज की विपरीत दिशा में बनता है। इसका अर्थ होता है कि अगर आपका चेहरा इंद्रधनुष की ओर होगा तो सूरज आपके पीछे की तरफ ही होगा। कारण है कि सुबह के समय यह पश्चिम और शाम के समय पूर्व दिशा में ही दिखाई देता है। ऐसे में जब बारिश होती है तो आसमान में कुछ जो पानी की छोटी छोटी बूंदें रहती हैं, उन्हीं बूंदों से सूरज की रोशनी होकर गुजरती है। ये एक प्रकार से प्रिज्म का काम करने लगती है। प्रिज्म आप ठीक मेरे बगल में दिख पा रहे होंगे, किस तरीके से जैसे ही प्रिज्म पर कोई प्रकाश पड़ता है तो वो 7 अलग अलग भागों में बांट जाता है। कि आपने सुना होगा कि 7 रंगे जो होती है वो विवग्योर का एक सिद्धांत होता है। उस सिद्धांत के तहत, या फिर मैं जिसे कहूँ बैजानी पिनाला, यानी इसे वी फॉर हम वॉयलेट कहते हैं। इसके अलावा आई को इंडिगो रंग, वी को ब्लू, जी को ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड कलर को प्रदर्शित करता है। इन्हीं 7 भागों में बटकर ये हमें गोलाकार रूप में दिखता है, जिसका आधा भाग ही हम मात्र देख पाते हैं और इनमें 7 अलग अलग रंग हमें दिखाई देते हैं। इसे हम इंद्रधनुष का नाम देते हैं। खैर, आपको ये जानकारी कैसे लगी वो कॉमेंट करके बताएं। मैं था आपके साथ दिव्यांशु सिंह, आप देख रहे थे वन इंडिया प्लस। नमस्कार।